Hi everyone, assalamu alaikum, and today I want to show you how to make beef haleem with the shahi haleem mixer shanka. So let's start. Hame kya kya chahiye. सबसे पहले मैंने जो शाही हलीम मिक्सर में से ये दाल का पैकेट निकला था, इसे मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया, और साथ ही इसके साथ एक पैकेट मसाले का निकला था, उसे मैंने निकाल के यहाँ रख दिया. हम थोड़ी हलीम स्पाइसी खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल रही हूँ इसके अंदर. यहाँ पे है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लेस देन 1 टीस्पून हल्दी, लेस देन 1 टीस्पून गरम मसाला, लेस देन 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर. एंड यहाँ में मैंने 1.5 kg गोश्त लिया है, और यहाँ में फ्राई अनियन है, आप फ्रेश लेके उसे भी फ्राई कर सकते हैं. ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं, ये हमें बिल्कुल एंड में चाहिए होंगे. और यहाँ पे हमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने लेस देन 1/2 कप पॉट में ऑयल डाला है, ये गर्म हो चुका है. अब मैं इसमें ये और साथ ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से भूनूंगी. गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी 5 से 10 मिनट. आफ्टर 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें सारे जो शान के पैकेट में से निकला था वो डाल दूँगी, और साथ में इसमें जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस थे वो डाल दूँगी. ठीक है, मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ड्राई डाल दिए हैं. अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालने तो मैंने डालें, आप मत डालें. आप सिर्फ जो शान के मिक्सर में से निकला है पैकेट, आप सिर्फ वही डाल देते हैं. राइट, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैंने अपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाले हैं. अब इसे 5 से 10 मिनट भून लें इसी तरह. उसके बाद जितनी भी डाले हैं वो सब इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है. अब मैं इसमें 4 बड़े कप पानी के डालूंगी. देखिए, फिर मैं आप लोगों से कहूँगी कि मैंने पहले वीडियो में भी अपने कह चुकी हूँ कि यहाँ पे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा. राइट, और जो ये दालें थी ये मैंने गोश्त हलीम बनाने से पहले मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में. राइट, अब मैं इसका बॉयल का वेट करूँगी. बॉयल आ गया है यहाँ पर, देखें. अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे कवर कर दूँगी एंड कुक ऑन लो हीट अंटिल मीट इज़ कम्प्लीटली टेंडर. आफ्टर 1 आवर ग्रैंड एंड मीट हैव कुक्ड वेरी वेल. सी हियर, अब मैं अपने चूल्हे की हीट टर्न ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने का वेट करूँगी. उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी विद द हैंड ब्लेंडर के साथ. गाइस, यहाँ पे ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है हलीम. अब मैं क्या कर रही हूँ कि जितना भी जो मीट था इसे सेपरेट कर रही हूँ, और ओनली दालों को मैं ग्राइंड करूँगी, क्योंकि हमें जो मीट है वो थोड़ा रेशेदार पसंद है. मैं ग्राइंड मशीन में मीट को नहीं डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर ग्राइंड हो जाता है. यहाँ पे लिक्विड ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंडर कर दूँगी अच्छी तरह. ओके, यहाँ पे मैंने जो ब्लेंड किया था हलीम को वो मैंने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दी है. यहाँ पे जो है मैंने जो मीट सेपरेट किया था इसे मैं हाथ की मदद से प्रेशर कर लूँगी, और फिर ये सारा मैं इस हलीम में डाल दूँगी. हलीम मैंने मीडियम हीट पे दोबारा रख दी है. अब जो मैंने मीट सेपरेट किया था ये रहा, मैं इसे सारे मीट को इसमें डाल दूँगी. आफ्टर सारा मीट जो मैंने हाथ से रेशा किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है. अब मैं इसे मीडियम हीट पे कुक करूँगी. अब डिपेंड आपको कितना वाटरी पेस्ट पसंद है, यू नो, और या फिर कितना थिकनेस पसंद है, उस हिसाब से आप इसे कुक करें. मैं आफ्टर 5 मिनट के बाद इस पर चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह ठीक हो जाए जितना मुझे चाहिए.
पे रखे आफ्टर 25 मिनट्स, बस मुझे इतनी थिकनेस चाहिए। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। देखिए तड़का ऑप्शनली है, अगर आपको नहीं लगाना अनियन का तो आप स्टार्टिंग में जब हम मीट को फ्राई करते हैं आप तब अनियन डाल दीजिए, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है वो एंड में ही हलीम को अनियन का तड़का। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें फ्राई अनियन डालूंगी, फिर आपको कहूंगी कि अगर आपको फ्रेश डालने हैं तो वेरी गुड, राइट? ओके, तो मैं 2 मिनट फ्राई करूंगी, अनियन में डाल दूंगी, थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। अनियन का तड़का लगाने के बाद अब मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर किए बगैर, विदाउट कवर, मैं इसे कुक करूंगी मीडियम हीट पे। और इसी तरह आफ्टर 2 से 3 मिनट के बाद मैं चम्मच से हलाती लूँगी ताकि नीचे ना लगे। ओके गाइस, हलीम इज रेडी। आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। यू कैन गार्निश विद द ग्रीन चिल्ली, लेमन, सिलेंट्रो एंड जिंजर के साथ। एंड प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो कि आपकी कैसी बनी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।